केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि आर्यवाल, मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर युवा नेता निशांत सिंह के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली यात्रा निकाली गई। विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर जनता की नब्ज टटोलने के लिए प्रभारी के रूप में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा का मटिहानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। प्रखंड अध्यक्ष अशोक राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात खुलकर अनिल शर्मा से साझा की। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं का यही मानना रहा कि मटिहानी परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। यह सीट अगर कांग्रेस को मिलेगी तो तयशुदा जीत कांग्रेस की होगी। अनिल शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हुए कहा कि आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भावना के हम कद्र करते हैं, हम आपकी बातों को आला कमान के पास मजबूती से रखेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यह सीट कांग्रेस की झोली में आए, लेकिन सीट लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण सीट लेकर जीतना है। इसके लिए आपको हर निजी बातों से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पूर्व अध्यक्ष सर्जन सिंह, पूर्व अध्यक्ष शांति स्वामी, चुनचुन राय, ओम प्रकाश सिंह, केडी हिमांशु कुमार झा, राहुल कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन बेगूसराय जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर चौधरी ने किया। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। मैं बेगूसराय जिले के चार दिवसीय कार्यक्रम के तहत कल आया हूँ। कल मैं बछवारा दूसरे कंस्टिट्यूंसी देगड़ा में गया, आज मैं मटिहानी आया हूँ। हमारे आने का उद्देश्य है कि अभी जो विधानसभा का आसन्न चुनाव है उस चुनाव के लिए पार्टी के सांगठनिक स्थिति का जायजा लेना, कहाँ पर पार्टी के लड़ने की बेहतर संभावना बन सकती है उसकी जानकारी लेना, कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता लाना और पार्टी को सशक्त करना, 2020 के महागठबंधन के उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना, ये हमारा उद्देश्य है। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। जहाँ तक कांग्रेस के बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका का सवाल है, ये सबको पता है कि गैर एनडीए की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी देश में बड़े भाई की भूमिका में है। और यही कारण है कि जो भी यूपीए है, गठबंधन है, उसका नेतृत्व कांग्रेस के पास है। ये सच है कि बिहार में अभी कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है और स्वाभाविक रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी है। और इसलिए बड़े छोटे भाई का नहीं, हम तमाम जो महागठबंधन की पार्टियाँ हैं वो आपस में साथी हैं, सहयोगी एक दूसरे के हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। हर मिल करके ही हम लोग एनडीए को यहाँ परास्त कर सकते हैं, ये परिस्थिति है। तो सीटों के बंटवारे के मामले में क्या कितने सीटों के लिए कांग्रेस लड़ेगी? अब ऐसा, इसकी बात तो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, लोगों के आपस में चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि हर किसी का उद्देश्य अधिक से अधिक सीट लेने का नहीं बल्कि अधिक से अधिक सीट जीतने का है। और इस ख्याल से जहाँ पर हमारी स्थिति बेहतर होगी वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ पर दूसरे महागठबंधन की पार्टियों की स्थिति बेहतर होगी वहाँ वो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए कैसा माना? अभी पार्टी में इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है। जो महागठबंधन की आम राय बनेगी उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी भी अपना फैसला। दो हजार पंद्रह के चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को दो सीटों पर चुनाव से बढ़कर पांच होती है, तो न सिर्फ वो पांच सीटों पर चुनाव में पार्टी जीतेगी बल्कि सात की सात जो सीटें हैं महागठबंधन जिले की वो सात की सात सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस, राजद और दूसरे जो हमारे सहयोगी दल हैं सब मिलकर के पूरे जिले से एनडीए का खात्मा करेंगे और एमपी का चुनाव भले यहाँ एनडीए जीत गया हो, विधानसभा के चुनाव में एनडीए का सफाया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। स्वाभाविक है, आप तो कांग्रेस की बात करते हैं,
आप ये बताइए, आपके घर में जो आपके दूसरे चार भाई हैं, चारों भाई एक फैसला कर पाते हैं? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में फर्क है, हर किसी के प्रकृति में फर्क है, हर किसी के स्वभाव में फर्क है। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार थोड़े बहुत आपस में किसी न किसी इशू पर, लेकिन यहाँ पर मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन दिल का दुराव नहीं है। हर किसी का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करने का है, हर किसी का उद्देश्य कांग्रेस को जीत सुनिश्चित करने का है, और देश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम फहरा कर पीछे पीछे शोषण करना चाहते हैं, जिनके पास अपने काम करने की क्षमता नहीं है, काम करने का मादा नहीं है, वही चाहे जाति का सहारा लेते, चाहे क्षेत्रीयता की बात करते, चाहे ऐसे छोटे छोटे बात की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिस पंचायत का कोई मुखिया निर्वाचित होता है, वो अपने गांव के लोगों का भला नहीं कर पाता है। इसलिए हमको जो मुझे जो सुनने को मिला है कि हो सकता है इस क्षेत्र विशेष के विधायक जी हों, लेकिन विधायक जी ने पिछले अपने तीनों के